तो हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका फोरेक्स फ्रंट बॉक्स में। सो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M12 का सक्सेसर की, जो गैलेक्सी M13 5G है। तो क्या ये स्मार्टफोन बाय कर सकते हैं या नहीं, तो सब कुछ बताओगे इसके बारे में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसा ही वीडियोस चैनल पर देखने मिलता है। तो पहले बात करते हैं फ़ोन की प्राइस की। तो इसकी बेस वेरियंट है 4G और 64GB, जो आता है 14,000 में। तो शुरू करते हैं फ़ोन के बैक पैनल की तरफ से। तो बैक में आपको प्लास्टिक बॉडी देखने मिलता है, और ऊपर की तरफ आपको ड्यूल कैमरा सेटअप देखने मिलता है, जो लाइक अपना S22 सीरीज़ जैसा ही कैमरा मॉड्यूल देखने मिलता है। तो डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले के अंदर आपको IPS LCD डिस्प्ले देखने मिलता है, और साथ में आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने मिल जाता है। अगर ब्राइटनेस नीट की बात करें तो 400 नीट्स का ब्राइटनेस देखने मिलता है। तो ओवरऑल डिस्प्ले में फ़ोन एवरेज का होगा। और बढ़ता है परफॉर्मेंस की तरफ, तो गैलेक्सी M13 में आपको देखने मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 एसोसिएट का एक 5G प्रोसेसर, जो एक प्राइस के हिसाब से सही है, इस प्राइस के हिसाब से। और ये एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ बॉक्स देखने मिलता है, और साथ में आपको कस्टम UI 4 का सपोर्ट देखने मिलता है, जो एक अच्छी बात है। और ये स्मार्टफोन दो वेरियंट में देखने मिलता है, 4GB 64GB और 8GB और 128GB। तो एक परफॉर्मेंस में फ़ोन गुड है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कैमरा की तरफ, जो बैक में आपको 50 MP का मेन कैमरा देखने मिल जाता है, और 2 MP का डेप्थ कैमरा। और वहीं पे फ्रंट कैमरे की बात करें तो 5 MP सेल्फी कैमरा देखने मिल जाता है। तो कैमरे के मामले में फ़ोन में बैड कहूँगा, क्योंकि इसके अंदर कोई अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं है, और फ्रंट के अंदर आपको एटलीस्ट 8 MP का कैमरा तो देना ही चाहिए था, बट इसके अंदर 5 MP का कैमरा है। तो कैमरे में फ़ोन में बैड कहूँगा। एक्स्ट्रा फीचर की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने मिलता है, 3.5 का जैक अवेलेबल है, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है, ड्यूअल सिम का सपोर्ट मिल जाता है। तो फाइनली बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो 5000 mAh का बैटरी देखने मिलता है, साथ में 15W का चार्जर सपोर्ट। और एक अच्छी बात है कि उसके अंदर बॉक्स में आपको चार्जर देखने मिलता है। तो ओवरऑल फ़ोन की बात करूँ तो अगर आपके कैमरा यूजिंग ज़्यादा नहीं है, आप कैमरा ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा यह स्मार्टफोन आपके लिए। और 5G भी है, तो मतलब गुड है ये फ़ोन। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।